पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई, तो मन आहत होता है, मन में पीड़ा होती है। नौजवानों के भविष्य की चिंता हम सब लोगों को है। और मैं सच बताता हूं, जब मैं अखबार में खबर पढ़ता हूं, देखता हूं कि लाखों लाख बच्चे और गांव में एक नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहां से वो ट्यूशन के पैसे लाता है, किताबों के पैसे लाता है, दिन रात मेहनत करता है और विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करता है। जब ऐसा प्रकरण सामने आता है तो सच में मन बहुत आहत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना है, जो उस प्रकार के काम को होने देते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। क्योंकि इस देश का नौजवान अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगा, उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, उसके विश्वास में कमी आ जाएगी, तो हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं साथियों, किसानों को इकट्ठा करने के लिए, नौजवानों में वो विश्वास कायम करने के लिए, वसुंधरा जी की सरकार थी राजस्थान में 5 साल, 163 विधायक थे, कांग्रेस के रह गए 21, प्रदेश कांग्रेस का मैं अध्यक्ष बना, और उन 5 सालों में मेरी कोशिश रही कि हर कार्यकर्ता तक हम पहुंच सके, हर सीमा को लांग सके, हर खाई को टाप सके, लोगों के दिलों से जुड़ सके। अगर मैं किसी के खुशी में ना शामिल हो सकूं, तो उसके दुख के मोमेंट में, उसके दुख की घड़ी में पहुंच सकूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परबसर के लोगों को, नागौर के लोगों को, कि इस पूरे जिले में हम सबके आवेदन से, सबकी मेहनत से इस नागौर जिले में एक तरफा जीत आपने कांग्रेस पार्टी की कराई थी। उन 5 सालों में हमने पदयात्राएं करी, हमने घेराव किया, हमने लाठियां खाई, जेलों में गए, और मैंने तो मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है वहां पर एक किसान न्याय यात्रा निकाली थी, 12 से झालावाड़ 100 किलोमीटर की, और किसान न्याय यात्रा यूं निकाली थी कि ना तो किसान को मुआवजा मिल पा रहा था, ना किसान की मदद हो पा रही थी, और मेरी यात्रा निकालने के बाद वसुंधरा जी को हमारी बातों को मानना पड़ा था। इसलिए आप सबके साथ संघर्ष हमने किया, आपने पूरा आशीर्वाद हम लोगों को दिया। अब 11 महीने के बाद दोबारा चुनाव आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो प्रेम और प्यार और आशीर्वाद है वो पहले की तरह बरकरार रखना। और मैं बार बार बोलता हूं, राम निवास गावड़िया जी मेरे साथी नहीं है, मेरे छोटे भाई हैं। अगर आपको मुझे ताकत देनी है तो राम निवास जी को ताकत देनी है।